बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टिक्का बोटी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक चिकन लेके इसके छोटे पीस करवा लिए हैं। मैंने बोन के साथ लिया, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। एक टीस्पून मैंने लाल मिर्च पिसी हुई ली है, एक टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, एक टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक बड़ा लेमन लेके इसका जूस निकाल लिए, एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, नमक आप अपने हिसाब से डालें, मैंने एक टीस्पून लिया है, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून चाट का मसाला और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, एक पाव दही, और हमें तेल चाहिए और एक छोटा कोयला चाहिए। सबसे पहले दही डालेंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो जर्दे का रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, नमक, हल्दी, गरम मसाला, एक टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये हमने मसाले मिक्स कर दिए, अब मैं इसकी कुकिंग करूँगी। एक पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे, इसमें मैं ऑयल डाल के ये बताती हूँ। मैं एक पैन रख के मैंने 3 से 4 टेबल स्पून तेल के डाल दिए, गरम हो जाए तो मैं ये बिस्मिल्लाह सारी मैं इसमें डाल दूंगी मसाले के साथ। इसको तेज आंच पे पकाएंगे हम, 5 मिनट हम बगैर ढक के पकाएंगे, फिर इसको हल्की आंच पे दम देंगे। मैं दरमियानी आंच करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। ये हमारा देखें कितना खूबसूरत कलर आया बगैर कलर के, कश्मीरी मिर्च से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। दूसरी तरफ हमने कोयला सुलगाने रख दिया है चूल्हे पे, वही चिकन गल गई, इसको फुल आंच पे हम भूनेंगे, पानी अब तक खुशक ना हो जाए फिर कोयले का दम देंगे।
हमारा टिक्का बोटी मसाला तैयार है। ये हमारी चिकन टिक्का तैयार है बोटी। अब मैं इस पे ये कोयले का धुआं दूंगी इसको। और एक से दो ड्रॉप ऑयल के डालूंगी, फिर हम इसको ढक देंगे। ये हमारी टिक्का बोटी तैयार है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।